हे गाइस, वेलकम टू जंगपांगे एजुकेशन। अब आज है 12 फरवरी 2021। 12 फरवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से वैश्विक मान्यता मिली है। अब बेंगलोर की बात करें तो बेंगलुरु, जिसे बेंगलोर भी कहा जाता है, भारत के दक्षिणी कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अब बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है, तो कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजू भाई वाला। ये है वजू भाई वाला कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बी एस येदियुरप्पा। ये है B.S. येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉमी कनेक्ट ऐप किस राज्य ने शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक लूमी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है, जो किसानों को बागवानी और कृषि विशेषज्ञों से जोड़ने में सक्षम होगा। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ है? इम्फाल। इसके गवर्नर कौन है? नजमा हिप्तुल्ला। ये है नजमा हिप्तुल्ला मणिपुर की गवर्नर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो है एन बीरेन सिंह। ये हैं एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्काईरोड एरोस्पेस ने किस कंपनी के साथ अपने विक्रम लॉन्च वाहन पर अंतरिक्ष में टैक्सी लॉन्च करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। स्काईरोड एरोस्पेस ने बेल मैट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा विकसित किए जा रहे ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल का उपयोग करने के लिए बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता और लघु उपग्रह कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है? इसके जो फाउंडर हैं वो है यशस कर्णम और रोहन एम गणपति। यशस कर्णम और रोहन एम गणपति। गणपति ये हैं यशस कर्णम और ये हैं रोहन एम गणपति, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के फाउंडर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। FSSAI के अनुसार जनवरी 2022 से शुरू होने वाली अवधि के लिए खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अधिकतम अनुमेय सीमा क्या है? इसका जो राइट आंसर है वह है 2%। ऑप्शन डी जो होता हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। अब ये क्या है FSSAI? ये इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके CEO कौन है? FSSAI इसके CEO
अरुण सिंघल है, अरुण सिंघल, ये है अरुण सिंघल FSSAI के CEO। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है बांग्लादेश। ऑप्शन ए जो था हमारा राइट आंसर होगा। बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव ढाका में समाप्त हो गया। समापन समारोह में विजेताओं को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय लंबे महोत्सव के दौरान 37 देशों की 179 फिल्मों को विभिन्न स्थानों पर दिखाया गया। अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। इसके प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद, ये हैं अब्दुल हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, शेख हसीना, ये हैं शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह 10 फरवरी। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है यानी कि यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, ये हैं एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? इसका जो राइट आंसर है वह उड़ीसा। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उड़ीसा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड स्थापित करने की घोषणा है। थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड का मुख्य उद्देश्य बिजली के हमलों के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। अब ये उड़ीसा में हुई है तो उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, गणेशी लाल, ये हैं गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, ये हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Redmi इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह सोनू सूद। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है सोनू सूद। MI इंडिया ने Redmi 9 पावर के लिए बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अब Redmi के बारे में कुछ जान लेते हैं। Redmi चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Xiaomi के स्वामित्व वाला एक उपब्रांड है। यह पहली बार जुलाई 2013 में एक बजट स्मार्टफोन लाइन के रूप में घोषित किया गया था और 2019 में एंट्री लेवल और मिड रेंज डिवाइस के साथ Xiaomi का एक अलग उपब्रांड बन गया, जबकि Xiaomi खुद ही अपर रेंज MI फोन का उत्पादन करता है। अब Redmi की स्थापना कब हुई थी? Redmi की जो स्थापना है वो जुलाई 2013 को हुई थी। इसके भारतीय CEO कौन है? भारतीय CEO Redmi के, इसके जो भारतीय CEO है वो है मनु कुमार जैन, मनु कुमार जैन, ये हैं मनु कुमार जैन।
रेडमी के भारतीय सीईओ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर है वह अफगानिस्तान, ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल नदी की एक सहायक नदी पर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात अफगानिस्तान की आई है तो अफगानिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल, काबुल। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी, अशरफ गनी। ये हैं अशरफ गनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफगान अफगानी, अफगान अफगानी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय बल्लेबाजों में से कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाला देश का तीसरा तेज गेंदबाज बन गया? इसका जो राइट आंसर है वो ईशान शर्मा, ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं ईशान शर्मा। भारतीय तेज गेंदबाज ईशान शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र ने किस तटीय राज्य में इसे मत्स्य हब बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वह है गोवा, ऑप्शन बी जो था हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने तटीय राज्य को देश में मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा को 400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये हैं केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह। अब बात गोवा की आई है तो गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। गोवा की कैपिटल कहाँ है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ये हैं भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। ये हैं प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है बेंगलुरु, ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेले 2021 का उद्घाटन किया है। ये हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में किस स्थान पर स्थान दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वह 23, ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में 5 स्थान ऊपर यानी कि 23वें स्थान पर पहुंच गया है। अब ये क्या है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसके फाउंडर कौन है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के? रजत गुप्ता, रजत गुप्ता और अनिल कुमार, अनिल कुमार। ये हैं रजत गुप्ता और ये हैं अनिल कुमार, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के फाउंडर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के साथ तमिलनाडु के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह है 51, ऑप्शन बी जो था हमारा राइट आंसर होगा। श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हुआ है। यह भारत का 51वां बाघ अभयारण्य होगा। ये 51 टाइगर रिजर्व की लिस्ट है जिसमें टाइगर रिजर्व के स्टेट और उनकी पॉपुलेशन दिखाई गई है। आप इसको पॉज करके इन सभी 51 टाइगर रिजर्व की लिस्ट को देख सकते हैं। अब बात तमिलनाडु की आई है। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई।
तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ये हैं बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? इडापट्टी के पलानी स्वामी। इडापट्टी के पलानी स्वामी, ये हैं इडापट्टी के पलानी स्वामी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही।